Hi, this is Kate Sharma and you're watching me on Bollywood Spy. Keep watching. Hello guys, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं Bollywood Spy. इस वक्त मेरे साथ हैं हॉट एंड सेक्सी, यस द बोल्ड ब्यूटी केट शर्मा हमारे साथ हैं. तो आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल Bollywood Spy में. तो आपका स्वागत है Bollywood Spy में. थैंक यू सो मच फॉर द लवली कॉम्प्लीमेंट. बट इज इट बोल्ड सेक्सी? ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा, पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपका जो सॉन्ग है तू जिंदगी, उसके बारे में बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट करने का सारा? मेरा सॉन्ग वो ऑलरेडी आ चुका है रोहन मेहरा के साथ, तू मेरी जिंदगी टाइटल है सॉन्ग का. एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबको बहुत पसंद आया. लोगों ने ये तक मैसेज किया कि हम 20-20 बार 50-50 बार सॉन्ग सुन रहे हैं आपका. मेरे फैंस को काफी पसंद आया. और कॉन्सेप्ट ऐसा था, बहुत सैड रोमांटिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था. तो या गाने ने बहुत अच्छा किया, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे अच्छा किया. जो फैंस की तरफ से क्या कुछ अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे जरा बताएंगे आप? फैंस की तरफ से काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे. लोग कह रहे थे कि स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा है. कोई कह रहा था आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी इन द वेडिंग ड्रेस. एंड पीपल टेल मी लाइक आई लुक लाइक कैटरीना इन द सॉन्ग. काफी कॉम्प्लीमेंट्स आते रहते हैं तो हाँ, अच्छा लगता है यार. चलो आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स तो अच्छा ही लगता है. ऑफकोर्स, तो मतलब हम आगे भी आपको ऐसे ही म्यूजिक एल्बम में देख सकते? ऑफकोर्स, आप मुझे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज में देखेंगे. जैसे कि अभी एक और मैंने शूट किया है ऑलरेडी विथ यश वडाली एंड इट्स इन द पाइपलाइन टू गेट इट रिलीज. एंड काफी पैपी सॉन्ग है, ये सैड सॉन्ग नहीं है, ये पैपी सॉन्ग है, क्लब सॉन्ग है. एंड हम लोग ने थाईलैंड में शूट किया है रिसेंटली, मैंने उसका एडिट देखा है एंड इतना अच्छा गाना निकल के आया है. मैंने खुद नहीं सोचा था इतना अच्छा निकलेगा. मेरी टीम भी शॉक है कि हम लोग ने जैसे कोई बहुत बड़ी मूवी का सॉन्ग होता है ना, वैसा सॉन्ग लग रहा है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. तो कहीं ना कहीं फैंस को इस सॉन्ग जो आपका आने वाला है तो एक डिफरेंट शेड देखने मिलेगा? ऑफकोर्स देखने मिलेगा, मेरे काफी शेड्स फैंस को देखने मिलेंगे. मैं काफी अच्छे काम कर रही हूँ एंड आई एम सो ब्लेस्ड, गॉड इज वेरी काइंड विथ मी के काफी अच्छे काम मेरे पास आ रहे हैं. और मेरे ये गाने का जरूर वेट करें जो जनवरी फर्स्ट वीक में रिलीज होने वाला है. एंड या जैसे कि आपने अभी बोला कि साल बहुत अच्छा है आपके लिए, तो इस साल में अच्छी चीजें भी हुई और कुछ बुरी भी, तो ऐसी कौन सी बुरी चीजें हुई बताइए आप? कहीं ना कहीं एक हमें पता है कि मिंटू का, आपको ही पता होगा, तो उसके बारे में बताइए. देखो, अच्छा बुरा सबके साथ होता है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरे साथ अच्छा ही हो सब कुछ. लेकिन हम लोग सीखते हैं, सारे एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलते हैं लाइफ के. और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला मेरे साथ जो भी हुआ उससे. और आई होप मेरे इंसिडेंट से लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा. एंड न्यू ईयर है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट यू नो डार्क शेड्स, बैड थिंग्स. वी हैव टू मूव ऑन इन लाइफ एंड या दैट इज ओनली द स्ट्रेटजी. आपने दो टीवी शोज किए हैं, ऑडियंस ने आपको बहुत ज्यादा पसंद किया है, तो और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो टीवी आर्टिस्ट हैं वो बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ ऐसे प्लान है? ऑफ कोर्स, अल्टीमेट माय ड्रीम इज टू वर्क इन मूवीज एंड आई एम कॉन्शियसली ट्राइंग फॉर इट. एंड काफी अच्छी चीजें हो रही है, काफी मूवी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है. अभी नहीं बताऊंगी, बहुत इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन हाँ, आप जरूर मुझे बड़े पर्दे पर देखेंगे. अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे, तीन खान्स हैं हमारे, सलमान, शाहरुख और आमिर, इनमें से आप किसके साथ, यू नो वैसे तो तीनों के साथ काम करना चाहेंगे, पर सबसे पहले यू नो रिएक्शन आपका क्या होगा जब किसी का भी ऑफर आए? ये क्वेश्चन मत पूछो यार, मैं भाग जाऊंगी इधर से. एक नाम ओके, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की अलग अलग क्वालिटी है. शाहरुख इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सलमान इज उनका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है. आमिर इज परफेक्शनिस्ट, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. बट या डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद आमिर खान. आई एम सो सॉरी. अच्छा, कोई फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? फेवरेट डायरेक्टर इज करण जौहर अनडाउटेडली एंड ही इज अ वेरी ह्यूमरस पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन. एंड मैं बहुत इम्पेशन हूँ उनके साथ काम करने के लिए. आई होप आई वर्क विद हिम सून. अगर हम बात करें बिग बॉस की, आजकल बिग बॉस बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो कितना आप फॉलो कर पाते हो बिग बॉस को? बिग बॉस, यू नो मैं बिग बॉस ज्यादा देखती नहीं हूँ बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता टीवी देखने का इतना. लेकिन हाँ, मैंने जिस तरीके से सुना है कि या तीन चार प्लेयर्स बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं और दीपिका का मैंने सुना है टीवी एक्ट्रेस काफी अच्छा प्ले कर रही हैं, तो आई विश देम ऑल द गुड लक
अच्छा टॉप थ्री में आप किन किन कंटेस्टेंट को देखते हो? टॉप थ्री में जैसे कि बताया दीपिका अच्छा खेल रही है, श्रीशांत अच्छा खेल रहा है और वैसे हाँ ये दो अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा कभी आपको इन फ्यूचर ऑफर आया बिग बॉस में जाने का तो आप जाओगे? Of course I will go. I don't mind going Bigg Boss. अच्छा जाते जाते अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है आपके अदर देन जो भी आपने बताया? अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने बताया मेरा बहुत ही अच्छा म्यूजिक वीडियो रिलीज हो रहा है जनवरी फर्स्ट वीक में, जो बहुत पैपी सॉन्ग है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है मुझे सॉन्ग से और मेरी टीम को भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, तो या इट इज़ रिलीजिंग, बस ये काम है। और एक मैं गाना शूट कर रही हूँ जो सिर्फ उस गाने में मैं रहूँगी और कोई नहीं। यस अच्छा क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के क्या प्लान्स हैं? क्रिसमस के ये प्लान्स ऐसे कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि क्रिसमस मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा से, बिकॉज यू नो हर कोई चाहता है कि उनके लाइफ में कोई सेंटा क्लॉज है, आप भी चाहेंगे आपके लाइफ में आए, सब लोग चाहते हैं। मैं बचपन में बहुत वेट करती थी सेंटा क्लॉज का कि मेरे लाइफ में कोई सेंटा आए एंड मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन हाँ मैं ज़रूर ऐसा करना चाहूँगी कि जिन बच्चों को गिफ्ट्स नहीं मिलते हैं जो वेट करते हैं, तो मैं उनके लाइफ में सेंटा क्लॉज बन के जाऊंगी और उनको गिफ्ट्स दूंगी बहुत सारे। अच्छा जाते जाते क्रिसमस विशेस दे दीजिए, न्यू ईयर आने वाला उसके विशेस दे दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग एंड पीछे मुड़के मत देखिए, बस आगे का सोचिए, बिकॉज ऑलवेज बिलीव इन फ्यूचर एंड गो विद द फ्लो। Thank you so much. Thank you.